विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक श्रद्धालु के द्वारा 1 किलो 10 ग्राम के 2 सोने के छत्र गुप्त दान के रूप में मां के चरणों में अर्पित किए गए, जिनकी बाजारू कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। उन्हें माता की पिंडियों के ऊपर स्थापित किया गया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक श्रद्धालु के द्वारा 1 किलो 10 ग्राम के 2 सोने के छत्र गुप्त दान के रूप में मां के चरणों में अर्पित किए, जिनकी बाजारू कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। श्रद्धालु के द्वारा 2 छत्र सोने के चढ़ाए गए हैं। उन्हें माता की पिंडियों के ऊपर स्थापित किया गया है। हालांकि पहले माता की पिंडियों के ऊपर चांदी के छत्र थे, जिन्हें हटाकर अब वहां पे सोने का छत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालु को इन छत्रों की रसीद भी दी गई है, जबकि मंदिर अधिकारी हुसैन चंद चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि मंदिर न्यास नैना देवी में समेश मई पर श्रद्धालुओं के द्वारा सोना चांदी माता के चरणों में अर्पित किए जाते हैं और एक श्रद्धालु के द्वारा गुप्त दान के रूप में 1 किलो 10 ग्राम सोने के 2 छत्र चढ़ाए गए हैं, जिन्हें विधिवत रूप से माता की पिंडियों के ऊपर स्थापित किया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए आए और माता जी के दर्शन का लाभ भी उठाएं। इस मौके पर उन्होंने मंदिर न्यास अधीक्षक रामकृष्ण शर्मा, लंगर इंचार्ज अनिल शर्मा, जीत राम पुनीत भी मौजूद रहे। जैसा कि मेरे ध्यान में आया है कि कुछ एक श्रद्धालु जो मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे, उन्होंने आज सुबह ही माता जी की हमारी जो 2 मूर्तियां स्थापित हैं मुख्य गर्भगृह में, एक मूर्ति जो कि पांडवों द्वारा निर्मित है और दूसरी जो स्वयंभू मूर्ति जो जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर सोने के 2 छत्र जो हैं चढ़ाए हैं, माता के चरणों में अर्पित किए हैं, जिनका कुल वजन 1 किलोग्राम और 10 ग्राम है। यह जो हमें दान प्राप्त हुआ है, यह गुप्त दान के रूप में हमने इसकी रसीद जो है जमा करवाने वालों को पहले ही दे चुके हैं और उनकी यह माता के चरणों में जो अर्पित भेंट है, हमने माता के छत्र के रूप में दोनों मुख्य हमारी जो मूर्तियां हैं वहां पे स्थापित हमने पहले से करवा दी हैं। तमाम सज्जनों से मेरा अनुरोध है। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।